तो गाइस अभी मैं देख रहा हूं हर तरफ बस एक ही चीज चल रही है, डंकी का रिव्यू, सलार का रिव्यू। फर्स्ट रिव्यू आ चुका है, फर्स्ट रिव्यू आ चुका है। यार देखो ये तो होना भी है अभी, क्योंकि अभी फिल्म रिलीज होना है 8-9 दिन के बाद। सलार मूवी जो है 8 दिन के बाद रिलीज होना है, डंकी मूवी जो है 7 दिन के बाद रिलीज होना है, तो इस तरह की बातें अभी उठेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको दो सीन देखने को मिलेगा, एक तो है दोनों मूवी का, कहीं पे पॉजिटिव भी कहीं पे नेगेटिव भी। मतलब कुछ कुछ जगह पे ऐसा है कि सलार मूवी को एकदम से नेगेटिव रिव्यू मिला है, कुछ कुछ जगह पे ऐसा है कि डंकी मूवी को एकदम से नेगेटिव रिव्यू मिला है, कुछ कुछ जगह पे सलार मूवी को एकदम से पॉजिटिव, कुछ कुछ जगह पे डंकी मूवी को एकदम से पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि जहां पे सलार मूवी को सपोर्ट किया जाता है, जो सलार मूवी के साथ खड़ा है, वो सलार मूवी का सारा पॉजिटिव रिव्यू को निकाल करके आपके पास रखेगा, और जो डंकी मूवी को सपोर्ट करता है वो डंकी मूवी का पॉजिटिव रिव्यू निकाल करके रखेगा। तो नेगेटिव का भी बिल्कुल वैसे एक्सचेंज होगा, जहां पे सलार का पॉजिटिव चलेगा वहां पे डंकी का नेगेटिव चलेगा, जहां पे डंकी का पॉजिटिव चलेगा वहां पे सलार का नेगेटिव चलेगा। तो यहां पे हमें प्रॉपर रिव्यू मिलेगा कैसे? यार देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो कि ऑफिशियल हिसाब से जिसको पकड़ा जा रहा है, जिसका एकदम से एग्जाम्पल दे करके बताया जा रहा है कि ये ऑफिशियल हो सकता है, इसको हम भरोसा कर सकते हैं, ऐसे बोला जिसको बोला जा रहा है। मतलब कुछ ऐसे ऑथराइज फिल्मी वेबसाइट से कुछ रिव्यू वगैरह देखने को मिल चुका है हमें, जैसे कि फिल्मी बीट हो गया, बॉलीवुड हंगामा हो गया, तो इन सारी जगहों पे हमें रिव्यू वगैरह देखने को मिल चुका है। बहुत सारे रिव्यू का भी अभी एग्जाम्पल वगैरह लोग देख करके रिव्यू दे रहे हैं। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, ना तो फिल्म बीट, ना तो बॉलीवुड हंगामा, ना किसी की भी, किसी की भी बात नहीं माननी चाहिए इस टाइम पे। किसी जगह पे ट्वीट्स करके कोई अगर रिव्यू दे रहा है तो वो रिव्यू को नहीं मानना है। किसी फिल्मी वेबसाइट से आकर के कोई रिव्यू दे रहा है, मतलब वो रिव्यू को देख करके आपको रिव्यू बता रहा है कि फिल्मी वेबसाइट में ये बताया, फिल्मी बिट में ये बताया गया है, बॉलीवुड हंगामा ये बताया गया है, तो वो रिव्यू को भी आपको नहीं माननी है। क्योंकि ना गाइस देखो, कोई भी फिल्मी वेबसाइट हो, कोई भी ट्विटर हो, एंड मोमेंट पे एक बंदा बैठा हुआ होता है जो कि ये रिव्यू वगैरह देता है, और एक बंदा अगर वहां पे बैठा हुआ है तो वो बिकाऊ भी हो सकता है, उसको पैसे भी मिले होंगे और वो पब्लिसिटी के लिए अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकता है। तो वो रिव्यू को हम नहीं मानेंगे। लेकिन मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के पास सेंसर रिपोर्ट की रिव्यू। जी हाँ गाइस, सेंसर रिपोर्ट की रिव्यू, जहां पे बारीकी से फिल्म के बारे में वो लोग नहीं बताए हैं, बल्कि वो लोग एक एक मोमेंट को सेंसर जब कर रहे थे, फिल्म के जो सेंसर सर्टिफिकेट जब दे रहे थे, उस टाइम पे कौन सी चीज को देख करके ये सर्टिफिकेट दिए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको शो कर देता हूं। देखो तो फिल्म को, ये है इंटरनेशनल की है, ओवरसीज का है ये, तो ये सर्टिफिकेट मिला है, फुल्ली वायलेंस मूवी है ये। तो किसको कितना परसेंटेज मिला है वो चीज को हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस, वायलेंस को एकदम से 100% मिला है, और बकायदा इस फिल्म में एकदम वायलेंस है। एक इंडियन सिनेमा के हिसाब से वायलेंस को लेकर के आप जितना दूर तक सोच सकते हो भाई, सोच लो, सलार मूवी में बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद इंजरी, मतलब आघात करना, हाथ पैर काट देना, गर्दन उड़ा देना, ये जो सारा चीज हमें देखने को मिलता है ना, उसको भी 100% मिला है। आप देख सकते हो पूरा 5 स्टार मिला है, मिले हैं, पूरा 100% देखने को मिलेगा। एकदम खतरनाक खूंखार तरीके से हाथ पैर कटेंगे, गले कटेंगे, बहुत खतरनाक होगा। थ्रेट और हरर की बात करें, मतलब धमकी हो गया, डरावना चीज हो गया, इस तरह की अगर बात करें तो 70% है, जरूर होगा। बिना धमकी के इतना खून खराबा कैसे हो सकता है? तो धमकी तो जबरदस्त होगा यहाँ पे, मैं तेरे को मार दूंगा, काट दूंगा, उड़ा दूंगा, फोड़ दूंगा, ये इस तरह की धमकी वगैरह हमें बहुत सारा देखने को मिलेगा। हरर सीन भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे, एकदम से डर लग जाएगा, कोई विलेन कहां से आ जाएगा, विलेन को डर लगेगा, हीरो कहां से आ जाएगा, तो इस तरह का सीन हमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अगर वायलेंस जबरदस्त है, इंजरी जबरदस्त है, तो ये चीज तो होना ही होना है, तो ये 70% हमें देखने को मिलता है। लैंग्वेज, गाली गलौज जो होता है, ए सर्टिफिकेट मिला है तो इसमें गाली गलौज बहुत ज्यादा होगा, इस तरह की भी बातें लोग सोच रहे हैं। भाई साहब 2 स्टार मिला है, मतलब 40% आप पकड़ सकते हैं, 40% तक का है, मतलब ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत नॉर्मल सा गाली वगैरह होगा। भाई प्रभास की फिल्म है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल थ्रेट, तो सेक्सुअल वायलेंस और सेक्सुअल थ्रेट के बारे में बात करें तो वो 80% तक है, मतलब जबरदस्त तरीके से कहीं से भी किसी को काट देंगे, ठीक है ना, कहीं से भी किसी किसी तरह की मतलब ये थ्रेट वगैरह मिल जाएगा, तो ये सारा चीज 80% तक होगा इसमें। मेरे ख्याल से ये गुंडों का है, ये लोग, इन लोगों का जो टीम वगैरह जो है ना, इन लोगों के बीच ये सारा चीज होगा, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा हो रहा है जो फिल्म में बाद में पता चलेगा। अगर बात करें डेंजरियस बिहेवियर, मतलब खतरनाक बिहेवियर वगैरह की, सो ये भी बहुत ही ज्यादा कम है, जो कि 40% तक है।
और बात करें रोमांस की, सेक्स की, ये सारा चीज बिल्कुल जीरो। प्रवास की फिल्म है टोटली, ये सारा चीज नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये सर्टिफिकेट मिला है तो ऐसा कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये एकदम से जीरो, बिग जीरो, बिल्कुल नहीं, एक भी स्टार नहीं मिला है। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कुछ ऐसा है क्या, मतलब गलत सलग तरीके का कुछ दिखाया जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पे भी जीरो है। तो ये है प्रॉपर रिव्यू मेरे भाई, और ये सेंसर रिपोर्ट है। सेंसर रिपोर्ट की तरफ से जो सर्टिफिकेट है वहां पे जो रिव्यू मिला है वो है एक्चुअल रिव्यू। मतलब फिल्म में हमें गाने में देखने को मिल चुका है एकदम से इमोशन है, और इमोशन जहां पे तगड़ा नहीं होगा उसका वायलेंस कैसे अच्छा लगेगा। इमोशन जबरदस्त होगा तभी एक्शन खतरनाक लगेगा। तो दोस्ती का बहुत ही ज्यादा खतरनाक इमोशन है यहाँ पे, जो आप एक पल पे रो लोगे उसके बाद आपको बहुत ही ज्यादा वायलेंस, खतरनाक एक्शन वगैरह देखने को मिलेगा, जो गले कटेंगे, हाथ पर कटेंगे, एकदम से खतरनाक इंजरी डिटेल्स भी देखने को मिलेगा इसमें, बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से। ओके, तो फिल्म का दो मोटो है, इमोशन और एक्शन, इमोशन एक्शन, ये दोनों चीज के ऊपर ही ये फिल्म जाने वाली है। ओके, और ना कि ए सर्टिफिकेट मिला है तो इसमें रोमांस वगैरह ज्यादा देखने को मिलेगा, इसमें गाली गलौज ज्यादा होगा वेब सीरीज की तरह, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये है प्रॉपर रिव्यू। और इसके अलावा कोई अगर सलार का फर्स्ट रिव्यू करके कोई 5 स्टार दिया, कोई 6 स्टार दिया, कोई 10 स्टार दिया, ऐसे करके अगर कोई बता रहा है, कोई हाफ स्टार दिया तो आ चुका है, इस तरह का जो रिव्यू अगर कोई दे रहा है, जितना भी बड़ा फिल्मी ऑथराइज फिल्मी वेबसाइट हो या फिर ट्विटर हो, जो भी हो, मैं आपको बोल रहा हूं ना, उसके एंड मोमेंट पे अगर पूरा एकदम लास्ट में जाओगे तो वहां पे एक बंदा बैठा हुआ है जो कि फिल्म वेबसाइट को चला रहा है, वहां पे एक बंदा बैठा हुआ है जो कि ट्विटर हैंडल को संभाल रहा है, चला रहा है, तो वो बंदा जो है वो बिकाऊ हो सकता है, वो बिकाऊ हो सकता है और वो गलत रिव्यू दे सकता है। ओके, तो गाइस इस तरह की किसी भी रिव्यू के ऊपर आप लोग भरोसा मत करो। अगर रिव्यू देखना है तो ये था एक्चुअल प्रॉपर रिव्यू जो कि हमें सेंसर रिपोर्ट से देखने को मिला है कि इस तरह की चीजें होने वाली है इस फिल्म में, ऐसा कुछ, मतलब इस तरह की फिल्म हम एक एक्सपेक्टेशन लेकर के जाएंगे। ओके, और ए सर्टिफिकेट मिला तो ये तो होगा ही होगा ना गाइस। तो ये है प्रॉपर रिव्यू, तो और किसी भी रिव्यू के ऊपर आप लोग भरोसा मत करो मेरे भाई। कोई 5 स्टार दे दिया उसको भी भरोसा नहीं करने का, और कोई अगर 1/2 स्टार दिया, 1 स्टार दिया, उसको भी भरोसा नहीं करने का। ओके, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।